हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक्सेल के पेज को कैसे सेट किया जाता है। जब एक्सेल में हम रोज काम करते हैं तो बहुत बड़ी सीट हो जाती है बनाते बनाते, और उसको एक पेज पे हम लोग प्रिंट जब करते हैं तो एक पेज पे नहीं आता है, कई पेजों पे आ जाता है, दो तीन चार पेज पे आ जाता है। इसलिए हम आज उस समस्या को का हल ढूंढ लिए हैं और उसको आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग उस चीज़ को जानते हैं। जैसे आप लोग मेरे डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमने बहुत सारा बनाया इस डेटा को, और बहुत बड़ी सीट है। तो इसको हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं कैसा आ रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे हम लोग, देखेंगे। देखिए कई पेज पर आ रहा है और नेक्स्ट पेज का तीन चार पेज पर आ रहा है, इतना है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए हम लोग पहले तो पेज डिसाइड करेंगे कि पेज कितना बड़ा होना होगा और किस साइज का होगा। तो पेज लेआउट पे जाएंगे और हम लोग लैंडस्केप करते हैं और पेज साइज जो है इसका A4 कर लेते हैं, ठीक है। इतना सेट करने के बाद हम लोग अब देखते हैं कि कितना आ रहा है। अब तो हम लोग पहले इतना प्रिंट करना है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में मतलब कितना आता है। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में तीन पेज पे आ रहा है, एक पेज कम हुआ। तो फिर हम लोग इसको कट करेंगे और इसको इसी तरह सेलेक्ट ही रहने देंगे। जितना हम लोग को प्रिंट करना है उस चीज़ को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और जो इस तरह डाटा व्यू में आएंगे, और यहाँ पे हम लोग आने के बाद एक पेज ब्रेक व्यू प्रीव्यू दिया है, इस पर हम लोग टिक करेंगे। और टिक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तीन पेज दिखा रहा है, तो तीन पेज दिखा रहा है, तो इसलिए हम लोग जो ब्लू कलर की लाइन है इसको हम लोग खींचेंगे, और खींचने के बाद यहाँ पर ला देंगे। अब देखिए हमारा एक पेज में दिखा रहा है, तो इसको अब हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि कितना दिखा रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे, ये देखिए हमारा पूरा टोटल जितना भी बड़ा सीट, जितना हो भी बड़ी सीट हो, आप लोग उसके माध्यम से खींच लेंगे और खींचने की बात कर लेंगे। देखिए टोटल पूरा दिखा रहा है बड़ा सीट, एक ही पेज पे हम लोग इसको प्रिंट कर लिए, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा पसंद आया हो आप लोग को तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।